जय हिंद, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित मौर्य। आज है 15 अगस्त 2021 और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। सभी स्टूडेंट को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बताना चाहता हूं, बीटीयूपी से कई ऑफिशियल अपडेट आई हैं। उनमें से एक अपडेट जो ऑफिशियल काफ़ी स्टूडेंट ने सेंड किया, सभी स्टूडेंट को थैंक यू। और यहाँ पर देख सकते हैं मॉक टेस्ट और रजिस्ट्रेशन को लेकर की अपडेट आई हुई है। आखिर इसमें क्या कहा जा रहा है, वीडियो के एंड तक देखिए, बताता हूँ इसमें जो टॉपिक के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं सचिव द्वारा भेजी गई है सभी कॉलेजों के लिए, यहाँ डेट भी है। यहाँ पर आप अगर इसका विषय देखेंगे ना ध्यान से, तो यहाँ पर आपको देखेंगे, ये देखिए विषय, सम सेमेस्टर परीक्षा वार्षिक परीक्षा 2021 के अंतिम सेमेस्टर एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के छात्राओं हेतु पंजीकरण एवं मॉक टेस्ट, यानी रजिस्ट्रेशन एंड मॉक टेस्ट की बात की जा रही है। तो देखिए, वीडियो में पूरा आगे बढ़ने से पहले और भी बातें बताने से पहले मैं बता दूँ, यह जो मॉक टेस्ट ना, अभी मैं भी नहीं दे पाया हूँ। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो सिर्फ 3-4 स्टूडेंट दे पाए हैं। यहाँ पे जो यूज़र आईडी पासवर्ड दिया गया वो रॉन्ग बता रहा है, यह एक टेक्निकल एरर है, बाद में सही हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं। अभी 2-3 दिन का टाइम मिला है, ठीक है। वहीं हमने बात की इसके लिए और टीचरों से, तो वहाँ पे पता चला, जब मैंने कहा कि यहाँ दिक्कतें चल रही हैं, तो कुछ टीचरों का कहना था एग्जाम डेट बढ़ने के भी चांस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कन्फर्म नहीं कभी एग्जाम डेट बढ़ने के चांस है, क्योंकि इसी तरीके दिक्कत आए तभी बढ़ सकता है, लेकिन अभी 2 दिन का समय है तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी सिर्फ यही ध्यान देंगे कि सभी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है, किस पे, जो आपके मोबाइल नंबर पर ना और ईमेल आईडी दोनों पर एक लिंक आई होगी, उस पर आपका यूजर आईडी पासवर्ड दोनों दिया गया, वहाँ पे जाके आप मॉक टेस्ट वहाँ से दीजिए, ठीक है सभी स्टूडेंट। लेकिन इस अपडेट को भी पहले समझ लीजिए। यहाँ पे देख सकते हो लखनऊ से यहाँ पे अपडेट आ रही, दिनांक 11/8/2021 संदर्भ ग्रहण करते हुए आगामी सम सेमेस्टर या फिर वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से कराए तो जो मॉक टेस्ट वगैरह समय सारणी निर्गत की गई, मतलब पहले ही बता दी गई है, उक्त के मतलब क्रम में अवगत कराना केवल अंतिम सेमेस्टर, ठीक है, एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के परीक्षा आवेदन फॉर्म प्रक्रिया पूर्ण करते हुए छात्र छात्राओं के पंजीकरण एवं मॉक टेस्ट ऑनलाइन परीक्षा हेतु UPBT, ठीक है, exam.in पर लिंक का प्रयोग किया जाएगा। छात्र छात्राओं के सहूलियत के लिए यूजर नेम, ठीक है, उनका एनरोलमेंट नंबर निर्धारित किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूजर नेम नहीं याद रहेगा दिक्कत होगा ना, लेकिन सभी स्टूडेंट का डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स हो या फिर JEE NEET, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप के साथ आप किसी भी समय 3 स्टेप में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन पर आना है और प्ले स्टोर पर सर्च करने हैं फिलो ऐप, या फिर डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके साइन अप कर लेना है, फिर अपने उस क्वेश्चन की आपको पिक लेनी है, या फिर उसे टाइप कर सकते हैं, या फिर गैलरी से लेकर के उसको अपलोड करना है। 60 सेकंड के अंतर्गत एक्सपर्ट आ करके वीडियो कॉल के जरिए आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। यदि आप फिलो ऐप का प्रीमियम ले रहे हैं तो STP005 रेफर कोड को यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना इनरोलमेंट नंबर याद है, उसके बाद ही कहा गया पासवर्ड का क्या किया गया। अब देखिए, पासवर्ड उनके यूराइज पोर्टल पर और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर प्रेषित कर दिया गया है। यूराइज पोर्टल पर भी मिल जाएगा पासवर्ड आपको, और आपके ईमेल आईडी पर भी मिल जाएगा, मोबाइल मतलब किसी पर भी आप चाहें तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, साथ ही यूराइज पोर्टल पर स्टूडेंट, ठीक है, साथ ही यूराइज पोर्टल पर स्टूडेंट लॉगिन के अंदर क्या मिलेगा, एग्जाम टाइम टेबल पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और ऑनलाइन एग्जाम का लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, जहाँ से आपको मॉक टेस्ट में और रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए सम्मिलित होना है। एग्जाम शेड्यूल की सूचना वहीं पे उपलब्ध करा दी गई है। उसके साथ साथ ही देखिए क्या कहा जा रहा है, सभी छात्र छात्राओं को जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन और मॉक टेस्ट के लिए लिंक है ना, वो 17/8/2021 से, ठीक है, रात 12 बजे तक 24/7 सतत रूप से चलता रहेगा, किंतु छात्र छात्रा के पंजीकरण एवं मॉक टेस्ट के दौरान कोई भी तकनीकी समस्या के निराकरण हेतु अगर हम बात करें, मतलब आप कभी भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, 10 बजे से 6 बजे के बीच में चालू रहेगा। तो मैं आपकी जानकारी के बता दूँ, यह नंबर मुझे मिला भी, मैंने इस पर कॉल भी लगाई, क्योंकि मेरा अभी टेक्निकल एरर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा कॉल, ठीक है, कॉल वगैरह लगा लेकिन रिसीव नहीं किया गया। तो 10 बजे से 6 बजे के बीच में ये सॉल्व किए जाएंगे, और किसी भी प्रकार की तकनीकी हेतु समस्या होती है UPBTExam@gmail.com पर क्या करना है, ईमेल करना है, ठीक है, इसके बाद ही आपके यहाँ से सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे।
आगे देखिए कहा जाएगा, अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार अवगत कराते हुए अपने संस्थान में जो भी स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं अनिवार्य रूप से उन्हें सूचित करने का कष्ट करें और साथ में यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपकी संस्था में अध्ययनतः जो भी पढ़ाई कर रहे छात्र केवल अंतिम सेमेस्टर और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के समक्ष छात्रों का परीक्षण और मॉक टेस्ट 17/8/2021 के शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। उसके बाद क्योंकि किसी का भी नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, किसी का भी नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सभी को कहा गया है कि कक्षा अध्यापक जो है निर्देशित करते हुए स्वयं की स्वयं भी इसकी मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेदार छात्र छात्रा के साथ साथ संस्था का जो प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल है वो भी होगा। और बाकी देख सकते हैं भौदी में जो कि सचिव हैं सुनील कुमार सोनकर जी, उनका यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे सब कुछ अपडेट है। तो बस इसमें यही बताना था कि आपका यूजर आई डी पासवर्ड यहाँ 3 जगहों से मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए, कितने टाइम पर करना है ये भी सब कुछ तो बता दिया गया। बेटी ने ऑफिसियल अपडेट जारी, काफ़ी बच्चे कर रहे थे बताइए इसके बारे में बताइए आखिर यह क्या है, तो सब कुछ तो बता दिया, आई होप समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट कोई क्वेरी कुछ भी रह गया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।